नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको C31 वर्सेस टेक्नो पोवर नियो का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C31 में 6.49 इंच जबकि पोवर नियो में 6.74 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो C31 में 3.04 इंच जबकि पोवर नियो में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो C31 में 0.35 इंच जबकि पोवर नियो में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो C31 में 194 ग्राम्स जबकि पोवर नियो में 212 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि C31 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो C31 में 20:9 जबकि पोवर नियो में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C31 में 6.53 इंचेस जबकि पोवर नियो में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C31 में 720x1600 और पोवर नियो में 720x1640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C31 में 80.97% जबकि पोवर नियो में 83.16% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C31 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि पोवर नियो में 263 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C31 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और पोवर नियो की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C31 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और पोवर नियो में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C31 में MediaTek Helio G35 और पोवर नियो में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें रैम की तो C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की रैम मिलती है, जबकि पोवर नियो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि पोवर नियो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो C31 में Android V10 Q जबकि पोवर नियो में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी C31 में 5000mAh जबकि पोवर नियो में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C31 में 2 कलर्स जबकि पोवर नियो में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8499 रुपीस
4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिलता है। और बात करें पोवो नियो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹13,780 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो पोको C31 में 4 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो पोवो नियो की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोवो नियो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है, दूसरा Xiaomi Redmi 9 है, तीसरा Oppo A12 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।